अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज फर्स्ट ही व्लॉग है ये कि मैं उठते साथ ही बना रहा हूँ। अभी तक मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है और पता नहीं आप लोगों को मेरा फेस कैसा दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा या नहीं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और तो आज घर में कोई नहीं है। अभी सिस्टर की कॉल आई थी कि उठ जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। और मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाता हूँ किस वक्त आज सुबह, या आज शॉप नहीं जाना था इस वजह से मैं सो रहा था। घर में कोई भी नहीं है तो मामा ने कहा है कि तुम नाश्ता कर लेना। और मैं जो उठा हूँ ना, 3 बजे फिक्स 3 बज रहे हैं और अभी मेरी सुबह हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ अपना फेस वॉश वगैरह करने। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी फेस साफ लग रहा होगा ना, क्योंकि वो फेस वॉश वगैरह कर लियो। जल्दी से मैं अपने लिए शर्ट निकाल लूँ, शर्ट चेंज करूँ और नाश्ते में पता नहीं क्या बना है। नाश्ता करने का दिल नहीं है, 3 बज रहा है, पता नहीं पेट है क्या है, भूख ही नहीं लगता मुझे। शर्ट चलो ये निकला हुआ है, यही पहन लेते हैं। अब क्या करें, ये आई थिंक प्रेस है तो इसी को जल्दी से पहनते हैं। शर्ट पहन चुका हूँ, अब जल्दी से कॉमन कर लूँ। लोशन रखा है, थोड़ा सा लोशन भी लगा लेते हैं, इतना ही सही है फेस के लिए, क्योंकि ठंड है ना, फेस अजीब सा होता है, इस वजह से लोशन लाजमी है लगाना। और देखते हैं, नाश्ता तो मेरा करने का दिल नहीं है, बिस्किट वगैरह होगा कैबिनेट में रखा हुआ तो वही खा लूंगा। करते इसमें क्या रखा हुआ है, ओहो कपकेक, नहीं यार कपकेक तो मुझे खाना नहीं है। और पिनट है सुपर, एक काम करता हूँ मैं अपने लिए पिनट ही निकाल लेता हूँ। अरे यहीं रखती निकाल लो, ओ ये तो छोटा वाला है, चलो एक ही मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है एक, क्योंकि इतना सुबह उठ के दिल नहीं करता ना खाने का, इस वजह से। अब मैं जल्दी से ये बिस्किट खा लूँ। बिस्किट खा लिया। और हाँ, कल जो व्लॉग बना था ना गोलगप्पे चैलेंज हसान के साथ, अब वो मेरा दोस्त है उसके साथ, तो वो वाला व्लॉग मैं रात को 2 बजे ही अपलोड कर दिया, एडिट वगैरह किया। ठीक है, मैंने कहा 2 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा, सारे इंतज़ार में होंगे, तो एक काम करते रात को 2 बजे अपलोड कर देते, आजकल तो ऐसा एक सारे ही जागे हुए होते। तो तकरीबन 1:30 या 1:40 हो रहा था, मैं पहले प्राइवेट कर दिया, फिर मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ क्या करूँ, फिर 5 मिनट तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा नहीं यार पब्लिक कर ही दो, क्योंकि बहुत 2 दिन हो गया व्लॉग अपलोड नहीं हुए। तो रात को व्लॉग अपलोड हो गया था, आज कोई व्लॉग ही नहीं अपलोड करने के लिए, ये जो व्लॉग बन रहा है ये कल होगा। अब रूटीन में तो अपने आना है ना, अब क्या करूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर दोस्तों के पास, काफ़ी दिन हो गया यार मैं फैज़ी भाई लोग के पास नहीं गया, तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है, टाइम ही नहीं मिल रहा था, किसी ना किसी काम में बिजी था, तो आज शाम में लाजमी जाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ किसी और के पास, उससे काम है, दोस्त है वो भी, लेकिन फैजी भाई लोग के पास शाम में लाजमी जाना है आज। मैं दोस्त के पास से फारिग होकर फिर अपने लिए बिरयानी ले लिया, मैंने कहा कि चलो बिरयानी खा लेता हूँ, और लगता है घर में सब आ गए। बिरयानी निकाल चुका हूँ और आज टाइम भी ज़्यादा हो गया, 5:20 बाकी, अब मैं जल्दी से खा लूँ बिरयानी। खाना वगैरह खा के फारिग हो चुका हूँ, अब चाय आ गया, जल्दी से चाय पी कर थोड़ा सा टेरिस पर जाऊँगा।
घर में आया हुआ जयान, इसको मैं लेकर चलता हूँ थोड़ा टेरिस पर घुमा दूँ। शाम 5 बज रहे। चलो जयान, इसका ये छोटा मोबाइल ध्यान, अपना मोबाइल दिखो, ये इससे ही खेलता है ध्यान। ओ सबर सबर, मामू उठा रहे, मामू उठा रहे। अरे यार ये लो, पापा की कॉल आई है, पापा की कॉल आई है, पापा से बात करो। नहीं पापा से पहले बात करो, पापा से बात करो, कॉल आई है, पापा से बात करो। इसमें पापा की कॉल आई है ना, बात करो, बात करो जल्दी। पापा की कॉल आई, कान में लगाओ, जल्दी से बात करो। अभी ये टेरिस पर है ना, ये चूचू के पास जाएगा। ध्यान इससे बात करो ना, ध्यान पापा की कॉल आई, वो देखो पापा बुला रहे, कॉल बात करो, बात करो जल्दी, बात करो, बात करो। हेलो। अच्छा अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। ज़ैन कारी साहब आए, शिकर दो, शिकर दो, कारी साहब आए, ज़ैन, ज़ैन कारी साहब आए, कर दो जल्दी। इधर देखो ज़ैन, पहले कारी साहब आए, कारी साहब आए, शिकर दिए। नहीं जल्दी से ऐसे करी, जब घर में जब आयशा को कारी साहब पढ़ाने आते ना तो ये ऐसे करता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कारी साहब इसको बेचैनी स्टार्ट, क्योंकि इसको कुकू देखना है, इसको मैं कुकू दिखा दूँ। चलो ज़ैन कुकू देखे, इसने मुझे थका दिया, मेरा हाथ पूरा दर्द हो गया, इसको गोदी में लिया, नीचे नहीं छोड़ूंगा, नीचे छोड़ूंगा अपना ये पूरा वाइट ड्रेस ख़राब कर देगा। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ नीचे, मैं ज़ैन को लेकर 5:30 बजे नीचे आ चुका था और अभी टाइम हो रहा है 6। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बार बार टाइम क्यों दिखा रहा हूँ। आज का जो व्लॉग है वो है रूटीन में, मैं सुबह से उठकर शाम तक क्या और रात तक क्या करता हूँ 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे मेरा व्लॉग एंड हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को अपनी रूटीन बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें शॉप इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आज मैं शॉप नहीं गया और अभी मैं जा रहा हूँ फैजी भाई लोगों के पास। 1 वीक हो गया मैं उन लोगों के पास नहीं गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा 7:30 बजे, फिर अपना काम करना है मुझे। अभी फैजी भाई लोगों के पास से आया हूँ और वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सारे दोस्त बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे लग रहे थे, अभी चाय वगैरह पिया, बस इंजॉय कर रहे थे। कुछ टाइम दोस्तों को भी देना चाहिए, तो अभी अभी मैं आया हूँ और टाइम हो रहा है 8:10 और अभी मुझे जाना ऑनलाइन क्लास देने लड़कों को। उधर भी वीडियो नहीं बना सकूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जब किसी को भी क्लास दो आप उसी उसके सामने अगर वीडियो वगैरह बनाओगे ना, तो ज़्यादातर लड़के मजाक में ले लेते कि सर मस्ती मजाक कर रहे या कुछ कर रहे, तो इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा। पहले मैं उनको क्लास दे के रहा हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी आया हूँ लड़कों को क्लास देकर और बहुत ही जल्दी PH स्किल्स वेबसाइट हम लोगों ने ओपन किया, उसकी सारी डिटेल आप लोगों को 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। और रिकॉर्डिंग वगैरह भी हमने, वीडियो वगैरह काफ़ी सारी करनी है, तो व्लॉग में ही आप लोगों को पता चलेगा और कोर्सेज वगैरह का। अभी अभी मैं घर आया हूँ और 9:30 और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि भूख लगी हुई है मुझे बहुत तेज़। वाह मामा ने एक एग दिया है, सर्दी में देसी अंडा, ये देसी है, मामा ने मुर्गी पाली हुई है तो वो देसी अंडा देती है, तो मामा ने ये देसी अंडे का जो साइज़ होता है वो इतना ही सा होता है, इससे ज़्यादा ये बड़ा होता ही नहीं है, लेकिन ये फ़ायदे के लिए बहुत है सर्दी में। तो अभी मैं जल्दी से खा लूँ, खाना वगैरह खा के फारिग हो चुका और साथ ही कहवा आ गया, अब ये जल्दी से पीऊँ, सर्दी में बहुत ही फ़ायदा है, ये पीना चाहिए, तो मैं रात को ये रोज़ लाजमी पीता हूँ, ये पी कर फिर मैं बैठ जाऊँगा अपना काम वगैरह करने। कहवा वगैरह भी पीकर आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 10:10 और 10 मिनट ऊपर हो गया व्लॉग, मुझे 10 बजे एंड करना था और अपने काम पे बैठना था। तो आप लोग बताएं कि मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दे, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।